वेलकम बैक टू मैग्नेट मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर और मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है अ लॉट ऑफ गुड न्यूज क्या है वो गुड न्यूज कि मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पे किडर से लेके क्लास ट्वेल्थ तक आईसीएसई ओलंपियाड एग्जाम्स लाइक एन एग्जाम्स नी पेड सब्सक्रिप्शन सब कॉन्टेंट आपके लिए यहाँ पे फ्री में अवेलेबल है नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ The next chapter, लाइक like the नाइन्थ unit of our class सिक्स english literature the name of the book is engaging english and the name of this poem is the snail snail kya hota hai snail wo chhota sa creature hota hai na jo dheere dheere chalta hai like hindi mein you call it ghonga i know that is a bit odd but snail is a pretty name so, snail के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं और इस particular poem में हम ये पढ़ने वाले हैं कि snail के movement के बारे में लेकिन उसके बाद भी जो हमारे पोइट हैं वो इनसे बहुत इम्प्रेस्ड हैं स्नेल से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं तो वो कौन सी क्वालिटीज़ होती है एक स्नेल में जिसकी वजह से वो इतने इम्प्रेस्ड हैं यही देखने वाले हैं हम सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ नोइंग ऑथर ओके हियर वी आर नॉट नोइंग ऑथर वी आर डायरेक्टली स्टार्टिंग कि भैया ये है क्या सो हु डू यू लुक टू फॉर इंस्पिरेशन आप इंस्पिरेशन के लिए हमेशा किसकी तरफ देखते हो कभी हम अपने पेरेंट्स की तरफ देखते हैं कभी अपने फ्रेंड्स की तरफ देखते हैं टीचर्स की तरफ देखते हैं समटाइम्स इवन नॉन लिविंग थिंग्स लाइक यू नो और मे बी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स और मे बी लिविंग थिंग्स लाइक प्लान्स प्लांट्स को हम इनिमेट ऑब्जेक्ट्स में काउंट uh, करते हैं लेकिन प्लांट्स में लाइफ होती है राइट right? तो प्लांट्स को आप देखते हो बर्ड्स को आप देखते हो एनिमल्स को देखते हो और इनसे भी इंस्पायर हो जाते हो एट टाइम्स द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट इनसिग्निफिकेंट क्रिएचर्स कैन इंस्पायर एंड मोटिवेट अस कभी कभी सबसे छोटे और जिनकी कोई अहमियत नहीं है ऐसे भी क्रिएचर्स हमें मोटिवेट कर सकते हैं हमें इंस्पायर कर सकते हैं इन दिस पोम अ स्लो मूविंग स्नेल टीचेस द पोएट समथिंग इम्पोर्टेंट अबाउट लाइफ इस पोम में एक बहुत ही धीरे चलने वाला जो क्रिएचर है जिसका नाम स्नेल है वो पोइट को एक लाइफ का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट लेसन सिखा जाता है रीड द पोम टू फाइंड आउट हाउ और अब हम इस पोम को पढ़ते हैं टू फाइंड आउट कि वो कौन सा लेसन सिखा रहा है स्नेल सेट्स आउट ऑन हिस्स लॉन्ग जर्नी अक्रॉस द बिजी पैथ द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड फॉर टेंडर लीफ और ज्यूसी स्टेम ऑफ द रोड not made to dodge or weave or run, he must await each threatening step, chancing his luck, keeping his tentacles crossed. Though all unaware of the dangers of being squashed, he does not pause or flinch. A cart will miss by an inch. But slithers on, intent on dinner, he is there at last, his prize ग्रास ग्रो स्टॉल आई सल्यूट यू स्नेल समहा इट्स स्मॉल अब ये जो हमारी पोम है इस पोम को हम स्टैंडा बाई स्टैंडा समझेंगे लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे लिविंग द सेफ्टी ऑफ अ रॉकी लेज अब स्नेल्स कहाँ होते हैं यूजली कहाँ रहते हैं पत्थरों के नीचे जो होती है जो सॉफ्ट मिट्टी होती है वहाँ पाए जाते हैं सो so, उस एरिया को अपनी एक ऐसी जगह जहाँ पे वो बहुत सेफ़ है जहाँ कोई उसको हर्ट नहीं कर सकता उस एरिया को छोड़ के द स्नेल सेट्स आउट ऑन हिज लॉन्ग जर्नी ना वाई आर वी कॉलिंग इट अ लॉन्ग जर्नी अगर मुझे दो स्टेप जाना इट इज़ लाइक अ लाइक अ सेकेंड का काम फॉर मी लेकिन द सेम डिस्टेंस व्हेन इट इज़ सपोज टू बी ट्रैवल्ड बाय द स्नेल इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी क्योंकि स्नेल जो है बहुत स्लो चलता है सो so स्नेल जो है अपनी लंबी सी जर्नी के लिए बाहर निकलता है अक्रॉस द बिजी पैथ नाउ इफ इट इज लाइक अ बिजी पैथ यहाँ पे स्नेल है उसको पूरा क्रॉस करके यहाँ पे जाना है द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड अब यहाँ पे अगर स्नेल है एक रॉकी लेज के पास में ऑन द अदर साइड जो ये ग्रास है ये बहुत ही ज़्यादा ग्रीन ग्रास दिख रही है उसको फॉर टेंडर लीफ और जूसी स्टेम अब कोई एक टेंडर सी लीफ जिसको स्नेल खा सके या कोई जूसी सी स्टेम के लिए ही विल ब्रेव द हैजर्ड्स ऑफ द रोड उसके लिए रोड पे चल के वो अक्रॉस द रोड जाएगा और रोड पे होने वाले सारे खतरे का सामना करेगा रन or or अब स्नेल जो है चाहे कोई कितनी भी स्पीड से आ जाए चाहे कोई चीज उसको कुचलने वाली हो या कोई उस पर पैर रखने वाला हो वो अपनी स्पीड को चेंज नहीं कर सकता वो जंप नहीं कर सकता वो रन नहीं कर सकता वो छुप नहीं सकता वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा उसी स्पीड में चलेगा ही मस्ट अवेट ईच थे स्टेप अब क्योंकि ना वो बच सकता है ना वो वीव कर सकता है वीव मतलब एक ज़िगज़ैग मैनर में जैसे चलना होता है ना वैसे चल सकता है ना वो रन कर सकता है तो उसको रास्ते में आने वाले सारी मुश्किलों का बहुत डट के सामना करना पड़ेगा कुछ भी हो सकता है कोई क्रिएचर आ सकता है कोई गाड़ी आ सकती है कोई बुलाट आ सकता है कोई कोई ह्यूमन आ सकता है सो ही मस्ट अवेट ईच थ्रेटनिंग स्टेप उसको देख देख के हर एक डरावना थ्रेटनिंग स्टेप जो उसको डरा सकता है उसको देखते हुए उसे चलना है चैंसिंग हिज लक चैंसिंग का मतलब क्या होता है ट्राइंग आउट उसका सिर्फ लक है अगर मर गया तो मर गया वरना वो दूसरे तरफ तक पहुंच जाएगा लेकिन फिंगर्स तो है नहीं स्नेल के पास सिर्फ हैं उसकी जो ये एंटीना होते हैं तो वो उसको keeping his finger, tentacles crossed का मतलब है गैदरिंग ऑल द लक ही हैज अपने भगवान बस पहुंच जाऊं मैं वहां तक पूरे लक को गैदर करके ही हैज स्टार्टेड फॉर हिज जर्नी अक्रॉस द रोड दो ऑल अनअवेयर

इंच वो बच गया वरना उसके नीचे आ जाता वो बट क्या होता है रेंगते हुए वो आगे चला जा रहा है इंटेंट ऑन डिनर क्योंकि उसको एक यमी सा डिनर खाना है ही इज देयर एट लास्ट हिज प्राइज फाइनली अब वो रोड के दूसरे साइड पहुंच गया है और उसको उसका प्राइज मिल गया है क्या है वो रिच लीफ मोल्ड लीफ मोल्ड मतलब क्या होता है सॉइल कंसिस्टिंग ऑफ डिकेड लीव्स मतलब जो सॉइल होता है जिसमें डिकेड लीव्स पड़ी हुई हैं मतलब जो सड़ गई हैं जो लीव्स उसी को खाते हैं स्नेल्स तो अब उसको एक बहुत अच्छी रिच लीफ मोल्ड मिला है जहाँ पे वे द ग्रास ग्रो स्टॉल जहाँ पे ग्रास जो है बहुत लंबी लंबी है तो उसके पास अब जूसी ग्रास है खाने के लिए आई सल्यूट यू स्नेल मैं तुमको सल्यूट करता हूँ स्नेल सम हाउ यू हैव मेड मी फील क्वाइट स्मॉल शायद ऐसा कुछ है जिसकी वजह से आज मैं तुम्हारे सामने छोटा फील कर रहा हूँ क्यों ये तो एक बहुत सिंपल सी पोम थी एक स्नेल है जो उठा और एक दूसरी जगह चला गया उसने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया लेकिन क्या आप ये कर सकते हो क्या हम ये कर सकते हैं हमें लगता है अरे बाप रे इतनी बड़ी मुश्किल आ रही है यहीं रुक जाओ अरे शायद मुश्किल आ सकती है जाने की ज़रूरत ही नहीं है अरे हम अपने कंफर्ट में हैं ना तो हमें क्यों ज़रूरत है कि हम इतनी बड़ी मुश्किल का सामना करें नहीं है ज़रूरत और हम रुक जाते हैं तो हम हुए ना स्नेल से भी स्मॉल उसके करीज के आगे हमारा करीज क्या है ज़रा सा है या बहुत बड़ा है बहुत छोटा सा है उसको वो चाहे तो वहीं रह सकता है लेकिन वो पूरा रिस्क लेके चांस लेके वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है लेकिन क्या हम ये कर पाते हैं हमें लगता है कि हम अपने कंफर्ट जोन में रहें लेकिन यहाँ पे पोएट ने एक स्नेल की लाइफस्टाइल को दिखाते हुए हमें यह बताया है दैट यू नो दे आर लोट ऑफ थिंग्स दैट वी आर सपोज टू अचीव और इसीलिए वो कह रहा है दैट आई सल्यूट यू स्नेल क्योंकि आज तुमने मुझे छोटा फील कराया है क्योंकि तुम्हारे करेज के आगे आई डोंट स्टैंड एनी वेयर पोम अब इस पोम में देर इज नो राइमिंग पैटर्न कोई भी राइमिंग पैटर्न नहीं अगर आप देखोगे तो हर सेंटेंस जो है एंड विदिफरेंट साउंड तो यहां पर कोई राइमिंग स्कीम नहीं है अब हम आते हैं इसकी सामरी पे इन पोम द स्नेल बॉन्ड डिस्क्राइब्स द मूवमेंट्स ऑफ अ स्नेल इसमें जो पोम है रस्किन बॉन्ड उन्होंने स्नेल के मूवमेंट्स के बारे में बात करी है द स्नेल इज सेटिंग आउट फॉर अ लॉन्ग जर्नी बाई लिविंग अ रॉकी लेज विच वॉज अ सेफ प्लेस टू लिव फॉर इट तो स्नेल जो है एक बड़ी सी जर्नी के लिए निकल गया है एक रॉकी लेज को छोड़ के जो उसके लिए रहने के लिए एक बहुत सेफ प्लेस थी ऑलवेज वॉन्ट्स टू गो इन सर्च ऑफ प्लाट्स एंड जूसेस उसको हमेशा जो है प्लान्ट जूसेस जूसी फ्रूट्स जूसी लीव्स के सर्च में वो जाना चाहता है ही हैज़ टू ओवरकम ऑल द ऑब्सटिकल्स ऑन इज वे इन सर्च ऑफ फूड और अपने रास्ते में आने वाले सारे ऑब्स्टिकल्स से उसको लड़ना पड़ेगा इफ़ ही वॉन्ट्स टू गेट गुड गुड फूड ही इज नॉट अन अवेयर वट द ऑबस्टिकल्स ही वॉट ऑल ऑबस्टिकल्स ही हैज टू फेस बट

पोइट को यहाँ पे उसके करेज को देख के उसके डिटर्मिनेशन को देख के उसके परसिवरेंस को देख के जो है छोटा महसूस हो रहा है क्योंकि हम शायद उसके सामने कहीं नहीं लगते क्योंकि हमें क्या लगता है अरे इतनी मुश्किल है क्या करेंगे हम वहाँ जाके और हम आइडिया ड्रॉप कर देते हैं सो दिस द समरी एंड नाउ द पोएटिक डिवाइज तो मेजरली इसमें दो पोएटिक डिवाइेज यूज़ हुई हैं एक है पर्सोनिफिकेशन क्योंकि पूरी पोम में स्नेल को ही करके बोला गया है ही गोज आउट और ही सेट्स आउट जबकि स्नेल एक एनिमल है जिसके लिए हम इट यूज करते हैं तो यहाँ पे पोम में पोएट ने उसको एज ए ह्यूमन ट्रीट किया है दैट्स वाई ही हैज़ यूज ही हैज़ रिफर टू द स्नेल एज ही और इसीलिए इसको बोलेंगे हम पोनिफाइड हैं दूसरा है अलिट्रेशन मतलब जहां पे पोम में एक ही लाइन में सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है जैसे यहाँ पे है स्नेल सेट साउट तो यहाँ स का साउंड रिपीट हो रहा है द ग्रास इज ग्रीनर तो यहाँ पे ग का साउंड रिपीट हो रहा है वे द ग्रास ग्रवल यहाँ पे भी गर का साउंड रिपीट हो रहा है तो ये हो गया आपका अलिट्रेशन

देन आपके पास सब्जेक्ट्स अपेयर होंगे आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे टॉपिक सेलेक्ट करोगे और आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा ना दिस इज ईजी राइट ऑल्सो डो नॉट फोरगेट टू सब्सक्राइब टू आर न्यू न्यू चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी जहाँ पे सारे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए पूरा कंटेंट अवेलेबल है सारे सब्जेक्ट्स का एंड इट डू नॉट हैव टू वरी एनी मोर सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर जस्ट सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल लाइक दिस वीडियो एंड टेल मी हाउ यू फाउंड इट अगले जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे सो स्टे टून स्टे कनेक्टेड एल सी यू सून बाय